मंडी स्थित राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में एबीवीपी इकाई के द्वारा जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिला भर के खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा के जौहर को दिखाया। एबीवीपी इकाई मंडी के व्यवस्था प्रमुख हर्ष ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिला भर की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एबीवीपी के द्वारा प्रदेश भर में युवाओं के लिए विभिन्न तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और इसी कड़ी में मंडी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर महान विभूति विवेकानंद जी को याद किया जा रहा है। हर्ष ठाकुर ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के प्रति जागरूक करना है, ताकि देश का युवा देश के विकास में अपना योगदान कर सके, क्योंकि आज का युवा कल का नागरिक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी विभाग व्यवस्था प्रमुख, हमारे पिछले 2 दिनों से जो है मंडी महाविद्यालय में जो है वॉलीबॉल प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर जो है करवाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है युवा वर्ग में जो है स्वामी जी की प्रेरणा और स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो है युवाओं का जो है जिसमें आह्वान किया जा रहा है, ताकि जो हमारे युवा है वो दूसरी जैसे नशाखोरी की प्रवृत्ति में ना जाए और जो है देश निर्माण में जो है अपना संपूर्ण सहयोग दें। उसी को लेकर जो है आज यहां पर जो है 11 टीमें जो है भाग ले रही थी, और जिनमें जो है आज हमारा फाइनल मैच जो है अभी हमारे बीच में चला हुआ है। तो जो प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम है उसे जो है मंडी इकाई द्वारा जो है 7100 रुपये से, और द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को जो 4800 रुपये के साथ जो है सम्मानित किया जाएगा। और मेरा भी यही संदेश रहेगा कि सभी खिलाड़ियों से कि वो नशे से दूर रहें और जो है राष्ट्र निर्माण में जो है अपना भरपूर जो है सहयोग दें, क्योंकि आज का युवा जो है कल का नागरिक है, और कल का नागरिक अगर सुदृढ़ होगा तो हमारा देश जो है सुदृढ़ होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने समय में के बहुत ही विद्वान कुलीन वर्ग के थे, और उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है पावर एट अटॉर्नी थे। तो बीए की पढ़ाई करने के पश्चात जो है स्वामी जी अध्यात्म की तरफ गए, और उन्होंने जो है पूरे भारतवर्ष का जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के मार्गदर्शन में जो है पूरे भारत का भ्रमण किया और ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद जो है शिकागो में जाकर भी उन्हें एक धर्म सम्मेलन में भी जाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहां पर जाकर जो है उन्होंने जो हिंदू धर्म के बारे में जो है अपने विचार रखे, जिससे जो है बहुत सभी देश जो है बहुत प्रभावित भी हुए।